हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार इन्वेस्ट फॉर एवर हो गया है। तो अगर बात करें तो जुलाई जो अभी Q1 का रिजल्ट आने वाले हैं, Q1 का एक पोर्टफोलियो मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए कि इन कंपनियों में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है तो आपके लिए 30 शेयर, मतलब 30 ऐसे शेयर निकाले हैं मैंने, जिनमें से कई काफियों के प्राइस ना बहुत नीचे चल रहे हैं, और आप अगर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे शेयर उनमें से मेरे पास ऑलरेडी है, और कुछ शेयर मैं आई एम वेटिंग कि कब वो थोड़ा सा नीचे करेक्ट होंगे, तो तब मैं उसे बाय ऑन डिप्स करके खरीदूंगा या फिर उसमें न्यू एंट्री लूंगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं एक-एक करके उन शेयर्स के रिलेटेड, और 30 शेयर का पोर्टफोलियो जो आपको Q1 में बेहतरीन रिटर्न्स बना के देगा। 3 महीने के लिए बता रहा हूं, उनमें से काफी स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, बट ये कुछ शेयर है जो कि आपको एक पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए बताए जा रहे हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें आप उस लिंक पे, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, और प्लेलिस्ट को भी जाके देख लीजिए और सीख लीजिए। और बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल सीखना है और सीख के आगे बढ़ना है। और मेरा थोड़ा गला खराब है तो शायद आवाज ठीक नहीं आएगी, तो आइए चलिए। सॉरी। तो 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, उनमें से सबसे पहला स्टॉक जो कि ऑलरेडी मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें 4 स्टॉक्स में से एक ये भी था। तो अगर बात करें सेंट्रल डिपोजिटरी, ऑलरेडी इस शेयर से रिलेटेड सब कुछ बता दिया है, और ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ये सारे के सारे, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ये शेयर रिजल्ट के साथ साथ काफी नीचे मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे मैंने ये शेयर चूज करे हैं, और ये इनके प्रोस्पेक्टस से के रिलेटेड की एक आगे चल के कितना बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं उनसे रिलेटेड बात करें। CDSL ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 से 2 करोड़ मार्केट में अकाउंट ओपन हुए हैं, और 1 करोड़ लोग इनके साथ जुड़े भी हैं पिछले 1 साल में, जिसका फायदा इसने होता आएगा, और जब जब से कोई भी मार्केट में आएगा तब तक इसे सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। चाहे आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में आप अकाउंट ओपन करा लीजिए, तो इस चीज को याद रखिए। बाकी इनके रिजल्ट काफी बेहतरीन है, ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंसिस्टेंसी यहाँ पर परफॉर्मेंस में है, और अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर FISDIs ने खरीद रखी है। तो इस चीज को बेस पे रखते हुए नंबर 1 पे आता है CDSL। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरा शेयर जो हमने चूज किया है वो है एंजल ब्रोकिंग। देखिए सबसे पहला तो ज़ेरोधा ही है, आपको पता है ज़ेरोधा नंबर 1 है इंडिया में, बट उसके बाद में जिसका नंबर आता है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट की, जिनके पास अकाउंट सबसे ज्यादा है, आई थिंक 8 से 15 16 करोड़ के आसपास, तो एंजल ब्रोकिंग दूसरे नंबर पे आता है। तो इस चीज को याद में रखते हुए मुझे लगता है कि आने अभी जो ये शेयर भागा है, डबल ही आपके पैसे किए, डबल किए ट्रिपल किए जो भी किया है, बट आने वाले टाइम में ये आपके पैसे और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। बहुत अच्छी ROC है, और बात करें मार्केट कैप काफी अच्छी है, स्मॉल कैप यहाँ पर नजर आता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर और भी चीजों की, तो यहाँ पर सारी की सारी ब्रोकिंग फर्म की बात कर रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग यहाँ पर नंबर 1 है। अगर बात करें लिस्टेड में सेल्स की बात करें, अच्छी खासी सेल्स यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, क्वार्टरली बेसिस ईयरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छी खासी सेल्स होती हुई नजर आई है। पहले पिछले 3 साल में फ्लैट सेल्स थी, और यहाँ पर जैसे ही अकाउंट ओपन हुए 1 साल के अंदर अंदर, तो यहाँ पर इनकी सेल्स में बहुत बड़ा इजाफा आया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है इन्हें, और यहाँ पर रिजर्व अच्छे खासे है, इस चीज को याद रखिए। और बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीज की, प्रमोटर्स की होल्डिंग, FIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, DIs की होल्डिंग अच्छी खासी है, पब्लिक में भी यहाँ पर बात करें यहाँ पर इन लोगों ने अच्छी खासी होल्डिंग रख रखी है, थोड़ी सी होल्डिंग केवल एंजल ब्रो इन रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो इस चीज में ध्यान में रखते हुए ये दूसरे नंबर पे यहाँ पर पिक में आता है। इसके अलावा बात और भी एक शेयर की, तो यहाँ पर है तीसरा शेयर IRCTC। आपको पता ही है अनलॉकिंग शुरू हो गई है, और अनलॉकिंग शुरू होगी लोग माइग्रेट होंगे, और माइग्रेट का सबसे आसान तरीका एक प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंस में जाने का इंडियन रेलवे ही है, IRCTC जिसे कहते हैं। मल्टीबैगर रिटर्न दी है, बट अभी भी शेयर इतना नहीं चला जिस तरीके से पहले चला था, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, कभी भी शेयर भाग सकता है। ROC 62% की है अभी ऑलरेडी, यहाँ पर 29 तारीख को इनके रिजल्ट है, बट उसे रिजल्ट बहुत रिजल्ट तो अच्छे आने ही है, बट अगर बात करें ईयरली बेसिस पे कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस में है, यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट है, ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, बट यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक, बट पैंडमिक खत्म होते साथ यहाँ पर सब चीज चेंज होती हुई नजर आएगी, और ये शेयर उन दिग्गजों शेयर में से होगा जो सबसे ज्यादा भागता हुआ नजर आएगा। आज रिजल्ट
अच्छे खासे है, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी की अगर बात करें ऑपरेट जो भी कैश है, कैश अच्छा खासा है और FIGS की होल्डिंग अच्छी खासी है, ROCE अच्छी खासी है। यहाँ पर अगर देखें FIS की होल्डिंग 8% है, प्रोमोटर्स की 67 है, DIS की होल्डिंग 10% है, DIS ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ा ली है, पब्लिक की होल्डिंग 14% है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को यहाँ पर दूसरे शेयर में खरीद कर रखा गया है। इसके अलावा बात करते हैं आय रेलवे का, ये को शेयर रेलटेल वाईफाई के मामले में लगाने के मामले में ये सबसे बड़ा नजर आता है इंडिया में, और कहीं ना कहीं इसे बहुत अपॉर्चुनिटी और मल्टी कहते हैं ना अलग एक रुतबा पोर्ट मोनोपोली करता हुआ नजर आ सकता है। मोनोपोली तो नहीं है बट स्टिल अगर बात करें काफी बड़ा यहाँ पर नजर आता है। और अभी भी जो शेयर अपने हाइएस्ट प्राइस से काफी नीचे चल रहा है, इस चीज को ध्यान में रखिए। और बड़े बड़े ऑर्डर इन्हें मिलते जा रहे हैं, एयरपोर्ट से अभी ऑर्डर मिला था 92 करोड़ रुपीज के आसपास का, तो डेट फ्री के लगभग ये शेयर है अच्छे खासे। यहाँ पर अगर बात करें अभी इनके रिजल्ट आए थे, अभी अगर बात करें अभी कल परसों की डेट में आए थे, सेल्स काफी अच्छी है यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है, अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा है, और अभी सब चीज बंद थी बट जैसे जैसे सब चीज ओपन हो रही है इस चीज को ध्यान में रखिए। और फिर ये अच्छा खासा भागे, हाइस्ट एवर सेल्स, हाइस्ट एवर नेट प्रॉफिट, हाइस्ट एवर यहाँ पर ईयरली प्रॉफिट यहाँ पर आता हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट नजर आ रहा है। यहाँ पर ये डेटा नहीं है बट ये डेटा भी सबसे अच्छा ही डेटा है, इस चीज को भी याद रखिएगा जब आएगा। और बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी है, FIS, DIS और पब्लिक की बात करें 18% के आसपास की होल्डिंग है, पब्लिक में भी यहाँ पर HDFC ने 1.26 ले रखी है। तो ये सारी बात चीजें यहाँ पर इस कंपनी को अलग बनाती है रेलटेल को। इसके अलावा बात करते हैं अभी चार स्टॉक का नाम लिया था, उनमें से एक स्टॉक लिया था हैप्पीएस्ट माइंड CDSL और हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पर इस में दोबारा आता है, यहाँ पर बात करें डिजिटल के मामले में नंबर वन इंडिया की कंपनी है, छोटी कंपनी है बट अगर बात करें जिस तरीके से इसने प्राइस में अप्रिसिएशन दिखाया, शेयर प्राइस जिस तरीके से भागा है, बट उसे तो आप छोड़ दीजिए, भागा भी है तो कुछ रीजन की वजह से, हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, ये सारी चीजें इसे अच्छा बनाती है। और बात करें कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी खर्च करती हुई नजर आती है, कंपनी बुक के पास बोरिंग ज्यादा नहीं है। और बात करें रिजर्व्स काफी बेहतरीन है, और प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है, FIS, DIS और बहुत बेहतरीन इनका मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात यही है। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं दोबारा। आईटी कंपनी, एक और कंपनी के बारे में जिक्र करना चाहता हूं, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो आएगा, तो KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगर बात करें ऑटोमेशन जिस तरीके से रिजल्ट पेश कर रहे हैं, ऑटोमेशन में नंबर वन यहाँ पर अगर बात करें टाटा एलेक्सी है ही है, बट स्टिल अगर बात करें और भी दूसरी कंपनी की तो KPIT एक टेक्नोलॉजी, ये भी ऑटोमेशन में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, आईटी से रिलेटेड कंपनी है। ROCE अच्छी खासी है और जिस तरीके से बेहतरीन रिजल्ट इसने अभी पेश किए थे, ओके, उसे हम भूल नहीं सकते। हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स थी, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे खासे थे, ओके, यहाँ पर रिवेन्यू अच्छा खासा था, ये सब चीज हाईएस्ट एवर थी। इसके अलावा अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, यहाँ पर बीच में पैंडामिक था बट कंपनी को दोबारा लोग पहचानने लग गए, नए नए ऑर्डर इनके पास आने शुरू हो गए, तो अब जो पिछले क्वार्टर से कम ईयरली बेसिस पे परफॉर्म किया था वो इस बार इसे पीछे छोड़ देगा, इस चीज को याद रखिएगा। रिजर्व्स अच्छे खासे है, बोरिंग अच्छी खासी है, बोरिंग इन द सेंस कंपनी अपने आप में खर्चा करती हुई नजर आ रही है, इस चीज को यहाँ पर से देखा जा सकता है। वर्किंग प्रोग्रेस में अच्छा खासा यहाँ पर है। और बात करें यहाँ पर FIS की होल्डिंग अच्छी खासी है, DIS की होल्डिंग अच्छी खासी है, पब्लिक के पास मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा शेयर होंगे, इस चीज की ये सारी चीजें इस चीज को दर्शाती है। तो इस चीज KPIT की तरफ नजरें बनाइएगा, जब भी थोड़ा सा चांसेस मिले नीचे गिर के तो इस शेयर को उठा लीजिएगा। इसके अलावा जो बात करते हैं हम टाटा एलेक्सी की, ऑल टाइम फेवरेट 1500-1600 पे शेयर था, आपको तब बताया था, आज 3700 के 1600-3800 के शेयर चल रहा है। मार्केट कैपिटल यहाँ पर देख सकते हैं 23,470 करोड़ है, लगभग डेट फ्री की शेयर ही है। ये बात करें हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिवेन्यू ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सेल्स हाईएस्ट एवर नजर आ रही है, तो ये सारी चीजें बताती है कि कंपनी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है, एज वेल एज हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट्स अच्छे खासे है, लगभग कंपनी का डेट भी कम है, और बात करें यहाँ पर मोटर्स की होल्डिंग ये भी अच्छी खासी है, और आने वाले 3 क्वार्टर में और बेहतरीन यहाँ पर आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बात करते हैं और शेयर की, तो सुब्रोज, काफी दिन पहले आपको एक वीडियो बनाई थी,
इसके अभी रिजल्ट है, बट रिजल्ट को छोड़ दीजिए, इसके अगले क्वार्टर के फिर रिजल्ट आएंगे 3 से 6 महीने के अंदर अंदर, तो ये कंपनी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट के बाद एक बार पता करेंगे, बट स्टिल इस कंपनी में मुझे लगता है काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट कैपिटल है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, और जिस तरीके से हर चीज यहाँ पर गाड़ियों की सेल्स होती जा रही है, तो यहाँ पर ये कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने ही है। और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट और सेल्स यहाँ पर दिसंबर में आती हुई दिखाई दी थी, जो कि अब क्या दोबारा रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है। और ईयरली बेसिस पर भी कंपनी काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी, यही क्वार्टर आपको पता ही है किस वजह से यहाँ पर डल था, बट स्टिल अगर बात करें अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और अगर बात करते हैं रिजर्व की, रिजर्व अच्छे खासे है, बोरिंग कंटिन्यूसली कम होती नजर आ रही है, और यहाँ पर FISDS की होल्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग, और ये 51% पब्लिक की नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे सुजुकी मोटर्स, यहाँ पर बड़े बड़े मोटर्स यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर हिस्सा इनमें पार्टनरशिप करती हुई, या फिर कह सकते हैं हिस्सा लेती हुई। इसके अलावा एक और कंपनी है शोभा मोटर्स की, अगर हम बात करें, शोभा नाम है आई थिंक, एक मिनट दीजिए मुझे। ओके, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर अब बात करते हैं, एक कंपनी है यहाँ पर शोभा मोटर्स, शोभा शेयर अगर बात करते हैं, हाँ यहाँ पर ये शोभा, ये ओके कोई नहीं, लीव इट, इसे इस शेयर को छोड़ते हैं, इसके बारे में बाद में देखेंगे। बट अगर बात करें एक और शेयर यहाँ पर इसमें ही, इसी LGBB, आपको बताया था 300 रुपए पे ये शेयर था, ओके उस टाइम आपको बताया था 455 रुपए पे चल रहा है, और बहुत अच्छा खासा भागता हुआ नजर आया था। डेट फ्री कंपनी है, दोबारा ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट ऑन द बेसिस क्वार्टरली ईयरली यहाँ पर कंपनी ने देते हुए नजर आए हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, काफी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, FIS ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIS ने थोड़ी सी बेची थी, बट स्टिल अगर बात करें काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर इस कंपनी ने बेसिस बनाए थे, और आगे चल के फिर दोबारा ये कंपनी आपको रिजल्ट पेश करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात करें एक और कंपनी Matrimony.com, आपको पता है किस तरीके से अनलॉकिंग शुरू हो रही है, अनलॉकिंग शुरू हो रही है, इस द सेंस यहाँ पर लोग बातचीत करके ऑलरेडी रख चुके हैं, और भी यहाँ पर शादियां आने के होनी है, और मैट्रिमोनी उसमें नंबर वन आती है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं 60% मार्केट कैपिटल है, कैप्चर कर रखा है, सॉरी यहाँ पर बात करें ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, और कंसिस्टेंसी यहाँ पर कंपनी ने दिखाई है, और आगे चल के और भी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। शेयर प्राइस का एप्रिसिएशन काफी बेहतरीन है, और यहाँ पर बात करें यहाँ पर FISDS की होल्डिंग भी काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रही है, और पब्लिक या नॉर्मल पब्लिक के पास बिल्कुल थोड़ी सी हिस्सेदारी है, तो इस कंपनी की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा बात करें एक और कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री, हमने कुछ टाइम पहले अमरा राजा की बात करी थी, वो तो दिग्गज है ही है, बट बात करें एक्साइड की ये भी पीछे नहीं है। अगर बात करें 15,534 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, डेट फ्री लगभग कंपनी नजर आती है, और इस बार का जो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस है वो हाईएस्ट एवर है, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे वो हाईएस्ट एवर है, इस चीज को ध्यान में रखिए। अमरा राजा ने इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए जितने रिजल्ट अच्छे इसने दिए थे, तो इस चीज की तरफ ध्यान दीजिए, और इसे अच्छा खासा आपको परफॉर्म कर सकता है। FISDIS ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, DIS ने थोड़ी सी कम करी है, बट अगर बात करें पब्लिक की भी होल्डिंग कुछ ज्यादा नहीं है। इस चीज को देखिए हेल्थवे के पास 4.13% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर रिटेल के पास नजर आती है, बाकी सारी होल्डिंग अच्छी खासी यहाँ पर दूसरी ही कंपनी के पास, सॉरी दूसरे लोगों के पास नजर आती है। सूर्या रोशनी, इसे आप बिल्कुल भी दरकिनार मत करिए, 200 रुपए से देखता आ रहा हूँ, काफी बेहतरीन शेयर चल रहा है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिवेन्यू नजर आ रही है, हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा है, सब कुछ यहाँ पर हाईएस्ट एवर नजर आ रहा है। ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी कंसिस्टेंटली यहाँ पर परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है। FISDIS ने यहाँ पर देखिए FIS ने होल्डिंग बढ़ाई है, DIS ने थोड़ी सी कम करी है, और यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग 32 नहीं है, यहाँ पर बात करें तो दूसरे लोगों ने अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है, तो इस कंपनी को बिल्कुल भी दरकिनार मत करिए। इसके अलावा बात करें यहाँ पर और भी कंपनी फिनोलेक्स, अभी रिसेंटली इसके कल परसों ही रिजल्ट आए हैं, मार्केट कैप 10,000 करोड़ का है, ओके, और अगर बात करें कंपनी लगभग डेट फ्री है, और यहाँ पर बात करें पाइप बनाती हुई कंपनी नजर आती है, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्म किया है इस कंपनी ने, वो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिए, नजर में रखिए, ये शेयर आपको आने वाले टाइम में काफी बेहतरीन रिजल्ट देती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक और शेयर जो कि मैं ऑलवेज आपको बार बार प्रेफर कर रहा हूँ, पहले भी प्रेफर किया था, बेचा था, स्विंग ट्रेडिंग करी थी, बेहतरीन प्रॉफिट मिला था, फिर दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ पर 1000 पे आया था, 980 पे आया था, 970 पे आया था, अभी 2 दिन पहले ही फिर दोबारा 1025 पे आ गया, ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा, इसको दरकिनार मत करिए।
ये शेयर आपको थोड़े बहुत दिनों में काफी बेहतरीन रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और जिस तरीके से अब रक्षा से रिलेटेड सौदे होते हुए नजर आए, ये शेयर नंबर वन पे जाता हुआ दिखाई देता है। FISDS की होल्डिंग काफी बेहतरीन इसमें भी नजर आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं एक और शेयर यहाँ पर, जो हमारा दिग्गज शेयर है, जो हमने 900 रुपए पे आपको बताया था कि इस शेयर में इन्वेस्ट करिए, आज 2000 पे चल रहा है, 2500 से करेक्ट होता हुआ नजर आया और काफी करेक्ट हो चुका है लगभग। और जिस तरीके से बड़े बड़े इनके क्लाइंट है, तो ये कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती और ना ही देखेगी। ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म किया है, और काफी बेहतरीन 25,000-30,000% के रिटर्न इसने आपको 5 से 6 साल में के अंदर अंदर यहाँ पर देते हुए नजर आई है। FISDS की होल्डिंग काफी बेहतरीन है, तो यहाँ पर इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं एक और शेयर, जो कि हमारा दिग्गज शेयर है, आपको 2700 पे बताया था, आज 2930 पे चल रहा है और थोड़ा सा फिर दोबारा करेक्ट हुआ है, बट करेक्ट होना हमेशा अच्छी रहती है, और ये शेयर फिर भागता हुआ दिखाई देगा। ये दिग्गज शेयर है, PLI स्कीम का फायदा होगा और एसी बनाने में नंबर वन कंपनी यही नजर आती है। ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे सबसे बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्म करती हुई ये कंपनी नजर आई है। इसके बाद यहाँ पर शेयर गिरा है, तो मतलब है इस क्वार्टर में आपको भागता हुआ दिखाई देगा। FIS की होल्डिंग अच्छी खासी है, DIS की होल्डिंग अच्छी खासी है, और पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, तो इस चीज को याद रखिए, ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एक और शेयर अतुल ऑटो, आप कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, फिर दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये डेट फ्री कंपनी है। लगभग मार्केट कैप छोटा सा ही मार्केट कैप है, बट ऑटो बनाने में ही यही कंपनी काम सबसे आगे है। तो ये कंपनी अभी इसके जब रिजल्ट आ गए हैं, यहाँ पर देख लिए अतुल ऑटो, यहाँ पर रिजल्ट आ गया है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट गिरते हुए दिखाई दिया, बट अगले क्वार्टर के रिजल्ट इसमें चार चांद लगाते हुआ दिखाई देगा, और काफी बेहतरीन ये कंपनी परफॉर्म करती हुई हमें नजर आएगी। तो इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए, अतुल ऑटो काफी बेहतरीन प्राइस पे ये शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भारत डायनामिक इस कंपनी को भी बोलिए, डेट फ्री कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और अगर बात करें डिफेंस सेक्टर में काफी आगे भी ये कंपनी है, रॉकेट बनाती है, लॉन्चर बनाती हुई नजर आती है। सेल्स की बात करें ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा ध्यान में रख के अगर आप काम करेंगे तो शेयर बाजार में अच्छा खासा पैसा आपको बनता हुआ ये शेयर दिखाई देंगे। अगर बात करते हैं एक और शेयर की, तो सीएट टायर देखिए, सारे के सारे टायर बालकृष्ण, अगर बात करें गुडियर, बात करें सब भाग लिए, अब बात केवल सीएट की है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर तब करेक्ट हुआ है जब अच्छे खासे रिजल्ट दिए हैं, हाईएस्ट एवर रिजल्ट है, क्वार्टरली ईयरली बेस पे हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए, और ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म आपको आगे करती हुई दिखाई देगी। तो अच्छी खासी होल्डिंग FIS ने बढ़ा ली है, DIS ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, और पब्लिक के पास भी ना के बराबर ही होल्डिंग है। तो इसके बाद अगर बात करते हैं दूसरी कंपनी की, तो HDFC AMC 16 तारीख को यहाँ पर, 16 जुलाई को, आई थिंक 15 जुलाई को यहाँ पर रिजल्ट है, डेट फ्री कंपनी है। अगर बात करें यहाँ पर AMC में ये सब नंबर वन पे आती है, और इस चीज को बिल्कुल मत भूलिए, यहाँ पर हाईएस्ट एवर रिजल्ट, यहाँ हाईएस्ट एवर क्वार्टरली या एनुअली रिटर्न आ रहे हैं, और लोग जिस तरीके से मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं, और अच्छा खासा ये परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं IEXC, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये शेयर भी काफी बेहतरीन है, ROCE 60% के ROCE से पैसा बना है, जैसे IRCTC ने बनाया है। स्मॉल कैप कंपनी नजर आ रही है, लगभग डेट फ्री कंपनी है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट, ये सब चीज यहाँ पर इन्हें इसे आकर्षित करती है। DIS ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है, बट FIS ने हिस्सेदारी बढ़ा ली है, और पब्लिक के पास थोड़ी सी हिस्सेदारी है, शेयर को याद में रखिएगा। इसके अलावा एक और शेयर, कुछ दिन पहले इसके रिलेटेड वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छे RSI पे चल रहा है, बहुत अच्छा प्राइस है, 2000 पे बताया था, 2019 चल रहा है, डेट फ्री कंपनी है, अगली बार भागती हुई दिखाई जाएगी, API में काफी नंबर वन है, ईयरली क्वार्टरली बेस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है, तो इनमें से इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं एक और कंपनी की, जो कि मेरी ऑल टाइम फेमस फेवरेट कंपनी है, जॉनसन हिटाची एयर कंडीशनर, काफी बेहतरीन रिजल्ट, डेट फ्री का लगभग 12% की डेट है, स्मॉल कैप कंपनी है, और थोड़ी वॉलेटाइल है, बट आपको अच्छा खासा रिटर्न देती हुई नजर आएगी। यहाँ पर देखिए क्वार्टर के बाद अगर बात करें, पैंडामिक के बाद धीरे धीरे यहाँ पर चलना शुरू हो गया है, और अच्छा खासा रेवेन्यू देना शुरू हो गया है, और अच्छी खासी सेल्स भी यहाँ पर आनी शुरू हो गई है, जो कि हाईएस्ट एवर है, तो इस चीज को बिल्कुल मत भूलिए। और अच्छी खासी यहाँ पर बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 74.25 है, DIS की होल्डिंग 415% है, और पब्लिक के पास केवल और केवल यहाँ पर 9% की हिस्सेदारी नजर आती है। तो JCHAC ये शेयर काफी बेहतरीन है, बस कभी भी भागने को तैयार है। इसके अलावा बात करते हैं एक और शेयर, जुबिलेंट इंग्रीविया, अगर बात करें इस शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए, एक शेयर काफी बेहतरीन है, ओके, डेट टू इक्विटी की बात करें
24% का ही डेट है, बट अभी शायद डीमर्ज हुआ है शेयर, इस वजह से इसी बार के रिजल्ट आए हैं जो कि अच्छे खासे हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट आए हैं। अगर बात करें यहाँ पर FISDS की होल्डिंग काफी बेहतरीन है, चौंकाने वाली है, इस चीज को भी ध्यान दीजिए। इसी की एक और कंपनी है जुबिलेंट फार्मोवा, इस कंपनी की तरफ भी ध्यान दीजिए, ये भी काफी अच्छे प्राइस पे आपको चल रहा है। रिजल्ट थोड़े से खराब आते हुए दिखाई दिए थे, बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पर रैकेश झुनझुनवाले की भी हिस्सेदारी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस कंपनी की तरफ, ये कंपनी अच्छा खासा आपको पैसा बनाता हुआ दिखाई देगा। राकेश झुनझुनवाला ने तो बल्कि इसमें हिस्सेदारी और बढ़ा ली है। और इसके अलावा एक और कंपनी मैक्स हेल्थ केयर, 230 पे बताया था, 256 पे चल रहा है और आगे चल के और भी चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके के इसके रिजल्ट है हाईएस्ट एवर रेवेन्यू क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, तो ये चीज यहाँ पर दर्शाती है कि ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म आगे करती हुई नजर आएगी। FISDS की होल्डिंग, DIS ने तो 4% से ज्यादा की हिस्सेदारी यहाँ बढ़ाई है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। इसके अलावा एक और शेयर, कुछ दिन पहले ही वीडियो कल ही परसों ही वीडियो बनाई थी, साटिया, ये भी भागता हुआ नजर आएगा। ये शेयर जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया है ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे, जिस तरीके से रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, यहाँ पर पेंडेमिक था इस वजह से थोड़ा सा गिरावट है, वरना ये शेयर काफी आप कंसिस्टेंसी जो दिखा रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें 260 करोड़ से 900 करोड़ की जो जर्नी है वो सीधे लगातार है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा काफी टाइम से यहाँ पर स्प्लिट करने के बाद ये शेयर चला नहीं है, तो अब यहाँ पर चलने की तैयारी में है, और वेब ऑफ ग्लोबल कभी भी भाग सकता है, 13% का डेट है, और काफी अच्छी यहाँ पर अगर ज्वेलरी मार्केट में यूएस यूके में ये काम करता हुआ दिखाई देता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये कंपनी काफी बेहतरीन है, हाईएस्ट यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी ने ईयरली क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट दिए है, और यहाँ पर कंसिस्टेंसी है, 337 करोड़ से 2526 करोड़ की कंपनी होना कोई आसान बात नहीं है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। और यहाँ पर FISDS की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, वेब ग्लोबल इसका नाम है। इसके अलावा बात करते हैं एक और शेयर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर अगर बात करें छोटा सा स्मॉल कैप है, 3900 रुपए का शेयर है, मार्केट कैप 2782 है, और यहाँ पर अगर बात करें कुछ और चीजों की, यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर परफॉर्मेंस कंपनी ने देना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल प्रॉफिट जो हमेशा नेगेटिव में था अभी पॉजिटिव में आना शुरू हो गया है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिए, और अच्छा खासा परफॉर्म ये भी करता हुआ दिखाई देगा, और एनपीएस वगैरह तो कम हुए ही हुए हैं, यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है, तो ये हाईएस्ट एवर यहाँ पर रिजल्ट कंपनी पेश, मतलब नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है, और अच्छा खासा परफॉर्म आपको करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बात करें एक और कंपनी की, आरती इंडस्ट्री, इसकी भी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी दोबारा आप परफॉर्म करती हुई दिखाएगी, स्प्लिट सॉरी बोनस इस कंपनी ने दे दिया है, बोनस के बाद यहाँ पर नीचे आया है, और मुझे लगता है 10-15 दिन बाद ये शेयर दोबारा भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर बात करें हाईएस्ट एवर रेवेन्यू सेल्स ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे आना शुरू हो गया है, FISDS की होल्डिंग अच्छी खासी है, और इसके अलावा शोभा तो यहाँ पर दिखा नहीं था शायद स्पेलिंग करेक्शन की वजह से। एक और शेयर के बारे में आपको बात कर लेते हैं, तो जो है VBL, वरुण बेवरेजेस, ये भी अभी हमने बात किया था, इसमें अच्छा खासा हमने प्रॉफिट कमाया था, वो भी शॉर्ट टर्म में, दोबारा यहाँ पर कंपनी का ये शेयर नीचे आ गया है, और एक अपॉर्चुनिटी बन गई है इसमें खरीदने की, और थोड़ा सा और करेक्ट होता है, 700 के नीचे मिल जाता है, तो इसे लेने में बिल्कुल मत हिचकिएगा, और अच्छा खासा ये परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है। पेप्सी आप जानते ही है गर्मी में ज्यादा बिकती भी है, और पेप्सी यहाँ का ब्रांड यहाँ पर कंपनी डील करती हुई नजर आती है। FISDS की होल्डिंग अच्छी खासी है, और बाकी बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने खुद की स्टडी करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लीजिएगा। बाकी 30 ऐसे शेयर आपको बताया जो कि दिग्गज है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न जो कि ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ, और ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दी है, ये शेयर आपको आगे परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।